स्टार्ट। भारतीय दर्शन लोगों के दर्शन से बिल्कुल अलग है। यह तीन लक्षणों में विशिष्ट है। प्रथम, इसकी निरंतरता है। भारतीय विचारक लगभग 3,000 वर्षों से प्रकृति और संसार के आशय के विषय में निरंतर सोच विचार करते रहे हैं। केवल चीनी ही ऐसा इतिहास रखते हैं। दूसरे, यह सर्वसम्मत है। मोटे तौर पर सभी भारतीय विचारक इस तथ्य को मानते हैं कि अपने यथार्थ स्वरूप में तथा महत् अर्थ में जगत एक एकीकृत एकता है और यह एकता आध्यात्मिक है। जगत जैसा कि वह दिखाई देता है, निश्चय ही एक इकाई नहीं है, बल्कि विषम अनेकता है। यह कहना है कि इसमें असंख्य व्यक्तियों और वस्तुओं का संकलन दिखाई देता है। इसलिए जो वास्तविक जगत है और जैसा कि वह नजर आता है, उसमें अवश्य अंतर होगा। यह अंतर इस प्रकार कहा जा सकता है कि जगत एक यथार्थ है जो स्वयं की अनेकता में व्यक्त करता है। जिस प्रकार संगीत के टुकड़ों का अंतर्निहित विषय रागों के माध्यम से व्यक्त होता है, जो एक ही संगीत विचार को प्रकट करते हैं, मोटे तौर पर यह सच है कि सभी भारतीय विचारकों ने इस अंतर को स्वीकारा है। तीसरा लक्षण, और यहाँ हम दर्शन तथा धर्म के संबंध पर आते हैं। भारतीय दर्शन कभी भी बौद्धिक व्यापार तक सीमित नहीं रहा। इसमें शक नहीं कि औपचारिक रूप से यह सत्य की खोज है, पर भारत में दर्शन सत्य की खोज से अतिरिक्त कहीं अधिक काम करता है। यह एक जीवन पद्धति की खोज करता है, उसे लागू करता है। वास्तव में अंतिम उपाय के रूप में भारतीय दर्शन का यह व्यावहारिक प्रभाव निश्चित रूप से भारतीय दार्शनिकों की सुनिश्चित धारणा का परिणाम है। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे उसमें सफलता मिलती है, वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिससे मैं पा लेना केवल जानना नहीं, बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं, पर इनमें प्रमुख है अज्ञान, अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर
चलना है। स्टॉप।